Again we start chapter number 4 limit. We completed method number 2, 3, 4. Now we start with method number 5. It's called square root type method. Okay, now listen me. In this chapter we have only 4 sums about this type. Is it clear? Now देखना ये है, खाली 4 सम है, इसमें से जो 2 सम हार्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी 2 सम आपको अपने आप ट्राई करना है. इसमें से एक सिंगल सम मैं आपको बता देता हूँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 2 x³ - 8 अपॉन √x - √2. अब इसमें क्या है, जब 8, 9, 10 में ऐसे सम आते तो हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर रूट को दूर करने के लिए उसको सेम वैल्यू सेम इफेक्ट देते थे. इज इट क्लियर? अदरवाइज स्क्वायर रूट एक्स है तो खाली एक्स लाना है तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई विथ एक्स करेंगे. लिसन में, यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 है, हमको वो निकालना है. निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी मल्टीप्लाई बोथ स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 इन बोथ साइड. इज इट क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, क्यों बाकी रखा है वो मैं बता दूं, बाय ए जो यहां पे माइनस है तो ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी आएगा बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2. इज इट क्लियर? वाई वो मैं आपको बता दूं. अगेन यहां पे है लिमिट x टेंस टू 2 x³ - 8 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 विथ मल्टीप्लाइंग. ऑपोजिट साइन लेंगे तब भी ए स्क्वायर रूट चला जाएगा, उसको डिफरेंट लॉ बोलते हैं, आपको पता होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, लेकिन उसको ज्वाइन करेंगे तो माइनस ही साइन रहेगी. सेम यहां पे स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2. स्टूडेंट्स देखो, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, अब उसको ज्वाइन कर रहा हूं तो कैसे ज्वाइन करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 x³ - 8 मल्टीप्लाइंग, यहां पे ये वैल्यू तो रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ये दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं, ए और इसको ज्वाइन कर रहा हूं, इफेक्ट कैसी होगी, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायरिंग माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायरिंग. यहां पे कुछ भी नहीं, 1 लिखेंगे, पता चल गया आपको. ओके, अब देखो यहां पे लिमिट x टेंस टू 2, मैंने सबके फैक्टर्स आपको पहले दे दिए थे, इसको अलग करना है, यानी x - 2 आएगा और यहां पे बचेगा x² + 2x + 4. फैक्टराइजेशन पता है आपको, यहां पे आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रखना है. नाउ इसका कैलकुलेशन क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर यानी ओनली एक्स, अंडर रूट 2 स्क्वायर यानी ओनली 2. वो तो पहले से ही पता होना चाहिए कि इसमें एक्स माइनस 2 फैक्टर्स कॉमन है, मैंने बता दिया, याद करो वो, यहां पे एक्स टेंस टू 2 मैंने बता दिया था, सुन लो फिर से रिपीट करवा रहा हूं. यानी इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह क्या रखना है आपको, 2, पता है ना आपको, x की जगह 2 रखा मैंने, सोच लो अब 2 को अंदर ले जाओ, यानी x - 2 = 0, ये कॉमन फैक्टर आ गया, सो x - 2 इज अ कॉमन फैक्टर. नाउ कट इट, नाउ वी डायरेक्ट पुटिंग x इन प्लेस ऑफ 2 ओनली. नाउ एक स्टेप आपको नोटबुक में लिखना है, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, लिमिट करके स्टेप लिख लो, मैं नहीं लिख रहा हूं. अब x की जगह 2 रखना है यानी 2 स्क्वायर,
प्लस टू इंटू टू प्लस फोर, यहां पे x की जगह टू प्लस टू, जगह कम है कोई बात नहीं है, यहां पे आ गया फोर प्लस फोर प्लस फोर, यहां पे दो बार स्क्वायर रूट टू है तो आ जाएगा सिंगल बार टू रूट टू। सब लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, अंडर रूट प्लस अंडर रूट तो सब लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके टू ला रहा है, मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो दो बार अंडर रूट टू है तो लिखो ना यार टू अंडर रूट टू, यहाँ पे चार प्लस चार प्लस चार, मेरा आंसर आ गया ट्वेल्व मल्टीप्लाई टू रूट टू, नाउ फाइनल ट्वेंटी फोर रूट टू, दैट इज द आंसर। एक बार फिर से देख लो मैंने क्या सिस्टम बनाई। अब एक बार फिर से पॉज करके भी आप पूरा देख लेते हो, ठीक उसी हिसाब से मैं एक और सम करवाने जा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट x प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 8 माइनस 3। देखो अब फिर से मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर बाय, देखो अब देखो दो बार स्क्वायर रूट हमको अलग करना है ना तो दो बार लिखेंगे बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस थ्री प्लस टू एंड स्क्वायर रूट एक्स प्लस एट प्लस थ्री। मैंने बता दिया था आपको साइन अलग लेनी है, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है मैंने उसको बॉक्स में रख लिया, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है, खाली माइंड में याद रखो दो बार स्क्वायर रूट आया दो बार स्क्वायर रूट को आपको निकालना है। देखो शुरू कर लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ऊपर को निकालो चलो स्क्वायर रूट थ्री माइनस टू, इसको निकालना है, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं स्क्वायर रूट एक्स प्लस एट माइनस थ्री मल्टीप्लाई, दो बार मल्टीप्लाई करने जाओ, इसको निकालने के लिए ऑपोजिट साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस थ्री प्लस टू, नीचे भी आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस थ्री प्लस टू सेम, ये मैंने किसको निकाला इसको निकाला ना ओके okay. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस एट माइनस थ्री की जगह में रखूंगा प्लस थ्री, ध्यान रखना मिस्टेक मेरी होगी आपकी नहीं होगी, प्लस थ्री, इसे क्लियर, ये निकल गया ये बचेगा। देखो इसकी इफेक्ट देख लो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, इफेक्ट देखो इसकी, इसका होगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस थ्री, दो बार है यानी स्क्वायरिंग करेंगे माइनस टू स्क्वायर, बचा क्या ए बचा लिख पाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस एट प्लस थ्री एज इट इज, नाउ इसको ज्वाइन कर चलो स्क्वायर रूट एक्स प्लस एट का स्क्वायरिंग माइनस थ्री का स्क्वायर मल्टीप्लाई, बचा क्या ये बचा स्क्वायर रूट एक्स प्लस थ्री प्लस टू, क्लियर। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, अब इसका स्क्वायरिंग यानी स्क्वायर रूट निकल जाएगा एक्स प्लस थ्री माइनस फोर सेम वैल्यू प्लस थ्री, यहां पे एक्स प्लस एट माइनस नाइन, यहां पे
x plus 3 plus 2, ये remaining value है. Now limit x tends to 1, ऊपर 3 minus 4, x minus 1 बचेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, square root x plus 8 plus 3, यहाँ पे x minus 1 बचेगा, square root x plus 3 plus 2, सिंपल कैंसिल हो गया. फिर से लिखो लिमिट x tends to 1, यहाँ पे square root x plus 8 plus 3, square root x plus 3 plus 2. अब तो आता है क्या करना है, x की जगह क्या रखेंगे हम, खाली 1. चलो जहां पे x लिखते हैं वहां पे 1 लिख लो. अब लिमिट को कैंसिल करना है, इक्वल टू लिखना है 1 plus 8 plus 3, 1 plus 3 plus 2. That means square root 9 plus 3, square root 4 plus 2. Means 3 plus 3, 2 plus 2. 6 by 4, 3 by 2, 1.5. That is the answer. एक बार फिर से देख लो आप लोग, क्लियर है? ये दो सम जो आपको क्लियर है तो उसके हिसाब से जो इजी दो सम है वो मैंने यहां आपको होमवर्क में दिया है. होमवर्क में दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 20 और इलस्ट्रेशन नंबर 21. ये दोनों के हिसाब से ये दो सम अपने आप ट्राई करना है. मेथड बता दूं, माइनस है, ऑपोजिट साइन आएगी, प्लस हो जाएगा. और बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 3 प्लस एक्स माइनस 9 और नीचे बचेगा x और a वैल्यू ऊपर वाली विद प्लस. क्लियर? इसमें कोई हिंट नहीं देने वाला हूं, ये दोनों सम आपको अपने आप ट्राई करना है. यहां पे ये मेरी मेथड पूरी स्क्वायर रूट वाली खत्म हो रही है. क्लियर? ओके, हाउ आर यू? नाउ लेट्स स्टार्ट मेथड नंबर 6. We completed at last time square root type method. Then we start fx type of method. Listen me, this call only Snehal-Sir's methods, fx type method. Here is illustration number 18. If fx equal to x square plus x, find the value of limit x tends to 2, fx minus f2 upon x square minus 4. See, it's a different. Now, let us this method also called window type method. Listen me, window type method. See, first we covered fx value, fx equal to x square plus x. Now it's covered. Listen me, now first star and second star. See, again, here is given fx equal to x square plus x, covered with box. Now create a window. Listen me, what is the window? See, here is first star and second star, we again put in fx. Listen me, fx and fx are equal value. So we put in equal x square plus x value. Is it clear? Okay. See, here is the difference. We put in x in place of 2. Now, in this x in place of 2, so 2 square plus 2, it comes 4 plus 2 and finally 6. Is it? Okay. So, our window is now closed. My window are clear. Now again repeat. The question is that limit x tends to 2. But we change the value. In place of this fx, we put in x square plus x. F2,
we're putting 6, but the sign is difference is minus. Is it clear? Okay, then here is x square minus 4. Now we go for the factors, x square plus x minus 6. Listen me. X square plus x minus 6. 6 ones are 6. So we get the answer plus or minus plus 1. That means 1x ki jagah we write down here is 3x minus 2x. It's 1x. Now x square plus 3x minus 2x and minus 6. It's simply clear. And here is x, x plus 3 minus 2, x plus 3. Both of them, x plus 3 is common, rest are x minus 2. Is it clear? ये फैक्टर आपको क्लियर है? यस और नो? ओके, इसका फैक्टर तो हमको क्लियर ही है. इसका फैक्टर x स्क्वायर माइनस 4 पता है आपको क्या आएगा, पता है ना? x माइनस 2 देन x प्लस 2. ओके, नाउ अगेन लिमिट x टेंड्स टू 2, इसकी जगह हम फैक्टर x प्लस 3 एंड x माइनस 2, इसकी जगह x माइनस 2 देन x प्लस 2. बोलो सिंपली क्लियर? नाउ इट्स कैंसल. ओके, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2, हियर इज x प्लस 3 एंड रेस्ट आर x प्लस 2. नाउ इट्स सिंपली क्लियर. वी राइट डाउन ओनली x इन प्लेस ऑफ 2. सो आवर we go for finalized answer 2 plus 3 and here is 2 plus 2, so 5 by 4 which are our final answer. Is it clear? Again you can see all the methods and also permit my presentations. Now students, it's easy sir. Now we go for illustration number 19. Here is fx equal to x cube. See, fx equal to x cube hai yahan pe. Aur limit h tends to 0, f3h, 3 plus h minus f3 minus h upon 2h. We putting here a 2 star. Maine bata diya tha, covered with box. Hamara window, chalo create the window. Fx equal to x cube covered with box. Now first star is that follow my method one by one only, not overlap the steps. F3 plus h and second one is f3 minus h. Listen me properly and perfectly. Here is fx, but here is f3 plus h. Its answer is x cube. So its answer is 3 plus h cube. So what's here? 3 minus h cube. Yes. But it's not the final. It's the factor. So listen me properly. We are clear about a plus b whole cube. So what is the factors? A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. That is the answer. We all know. Yes or no? We all know. So in place of a, in place of 3, and b in place of h, 3 plus h cube, that means 27 plus 27h plus 9h square plus h cube. Try yourself. Here is minus, so keep changing, starting with plus. Now here is plus 27 minus 27h plus 9h square minus h cube. Now our window
is complete. Is it? Okay. Now, limit h tends to 0 of first r की जगह ये नहीं रखना है. अब इसका सिंप्लीफिकेशन जो लाए थे वो रखना है. 27 प्लस 27h प्लस 9s स्क्वायर प्लस h क्यूब देन माइनस देन वी यूज ऑलवेज ब्रैकेट. नाउ 27 माइनस 27h प्लस 9s स्क्वायर माइनस h क्यूब हियर इज 2h एज इट इज. सी लिमिट h टेंड्स टू 0 हियर इज 27 प्लस 27h प्लस 9s स्क्वायर प्लस h क्यूब. आउटसाइड साइन इज माइनस सो इनसाइड साइन इज ऑलवेज कीप चेंज. माइनस 27 प्लस 27h माइनस 9s स्क्वायर प्लस h क्यूब एंड दिस 2h आर एज इट इज. नाउ कैंसल द डिफरेंट साइन प्लस 27 माइनस 27 प्लस 9s स्क्वायर माइनस 9s स्क्वायर. नाउ रिमेनिंग वैल्यू इज लिमिट h टेंड्स टू 0 हियर इज 27 54h प्लस 2h क्यूब h क्यूब h क्यूब दो बार है तो यानी आएगा 2h क्यूब. हियर इज 2h इज क्लियर. नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 हियर इज 2h कॉमन. नाउ 27 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2h. नाउ 2h इज कैंसल. नाउ बचा क्या आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 27 प्लस h स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द फाइनल h इन प्लेस ऑफ 0 रखना है. h की जगह 0 27 प्लस 0 स्क्वायर शो 27 प्लस 0 शो आंसर इज 27. इज इट क्लियर. आंसर क्या आएगा 27. यहां पे आपकी पूरी मेथड एफएक्स टाइप मेथड यहां पे पूरी होती है. अब आपको क्या करना है पहले एक बार देख लो आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूं. वन मिनट प्लीज. अब इसके ऊपर से आपको होमवर्क में सेक्शन ई पेज नंबर 165 उसमें आपको 4 to 10 नंबर सम यू डन 4 to 10 नंबर सम इन योर होमवर्क. ट्राई योर सेल्फ. थैंक यू.